नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। माता मंगला गौरी आप सभी के घर परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगला गौरी व्रत कथा के बारे में, साथ ही साथ हम आज कथा का भी श्रवण करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अखंड सौभाग्य देने वाली माँ मंगला गौरी माता पार्वती का ही एक रूप है। जो भी कुंवारी स्त्रियां माँ मंगला गौरी का व्रत करती हैं विधि विधान के साथ, शिव जी की पूजा करती हैं माता पार्वती के साथ और मंगला गौरी की पूजा करती हैं, उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। और जो सुहागन स्त्रियां इसका नियम से पूजा और पाठ करती हैं, उन्हें भी अखंड सौभाग्यवती होने का वर देती हैं माता मंगला गौरी। सावन के महीने में प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा की जाती है। सभी सुहागन स्त्रियां आज के दिन 16 श्रृंगार करके माता मंगला गौरी के मंदिर में जा कर के उनको ये 16 श्रृंगार अर्पित करके ब्राह्मण को दान में देती हैं और साथ ही साथ अपना 16 श्रृंगार जो लेके जाती हैं उसे माता गौरी को समर्पित करके प्रसाद स्वरूप में खुद ही ग्रहण करती हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप कोई भी अपना सामान सुहाग का दान में ना दें। आपको दान में सामान देने के लिए यानी किसी भी सुहागन स्त्री को आप किसी पूजा वाले दिन, तीज त्यौहार वाले दिन सामान देना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अलग से सामान खरीदना होगा। चाहे आप अपनी सास ननद को वो सामान दें, चाहे आप ब्राह्मणी को वो सामान दें, परंतु आप अपना सामान कुछ भी नहीं देंगी सुहाग का। आप सब सामान बिल्कुल नया कोरा लेके आएंगी, माता रानी को समर्पित करके आप उसे जिसे भी देना है दे सकती हैं, परंतु अपने लिए लाया हुआ सामान या अपने इस्तेमाल में लाया हुआ सामान या खुद के लिए ये भावना करके कि इसे मैं रखूँ, ऐसा सामान आपको नहीं देना चाहिए। और इसकी पूजा माता मंगला गौरी की पूजा सावन महीने से होती है। आप 5-16 का संकल्प करके पूजा अवश्य ही करें, इससे माता मंगला गौरी की कृपा आपके परिवार पे बनी रहेगी। सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोलेनाथ का महीना, तो साथ ही साथ आप शिव जी की भी पूजा अवश्य ही करिएगा। चलिए सुनते हैं प्राचीन कहानी जो कि है माता मंगला गौरी की। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही दयालु था और उसके पास बहुत अधिक धन भी था। वो हर दिन शिव जी की और माता पार्वती की पूजा किया करता था। सुबह के समय बिना शिव जी को जल चढ़ाए और शाम के समय बिना उन्हें नैवेद्य अर्पण किए कभी भी खुद ग्रहण नहीं करता था। अगर उससे लेट हो जाता था तो वो उस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करता था जब तक वो अपनी पूजा नहीं संपन्न कर लेता था। उसी के तरह उसकी पत्नी भी थी अपने पति के साथ। शिव जी और माता पार्वती की पूजा नियम धर्म से करते थे, परंतु साहूकार के पास सब कुछ होने के कारण भी वो उदास रहता था क्योंकि उसके पास कोई भी संतान नहीं था। वो सोचता था आखिर इन सब धन का मैं क्या करूँगा, मेरे बाद तो इसका कोई भी इस्तेमाल करने वाला इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सोच सोच के साहूकार अत्यधिक दुखी रहता था। एक दिन देव कृपा से उसके घर में एक साधु महाराज आए। साहूकार और उसकी पत्नी ने साधु महाराज की बहुत सेवा की। साधु महाराज स्वयं ही भोलेनाथ थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति कराऊंगा, तुम्हें ये वर देता हूँ। तुम्हारे ही नगर में एक आम का पेड़ है जिसके नीचे गणेश भगवान की स्थापना हुई है। उस आम के पेड़ से एक आम तोड़ के लाना और अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। साहूकार ऋषि की बात सुनकर के पूरे नगर में घूमा। उसके बाद उसे वो पेड़ मिल गया जिसके नीचे गणेश भगवान की प्रतिमा थी। साहूकार ने बहुत अधिक प्रयास किया परंतु वो एक भी आम तोड़ नहीं सका। तब उसने क्या किया कि
पत्थर मारने लगा। वो पत्थर मारते मारते गणेश भगवान के ऊपर जाके वो पत्थर लग गया और साथ ही साथ आम का जो फल था वो भी नीचे गिर गया। परंतु गणेश भगवान इससे अत्यधिक क्रोधित हो गए और साहूकार के सामने प्रकट होकर के बोले, तो जिस मनोरथ के लिए ये कार्य कर रहा है तेरा वो मनोरथ पूरा नहीं होगा। तेरा बच्चा जो है होने के बाद 16 वर्ष की आयु के बाद मर जाएगा, वो अल्प आयु होगा। ऐसा गणेश भगवान से श्राप मिलने के बाद साहूकार अपने घर आकर के अपनी पत्नी को आम देने के बाद उदास होकर के लेट गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका पुत्र 16 वर्ष की आयु के बाद मर जाने वाला है। इस बात से अत्यधिक चिंतित था साहूकार कि तभी उसे पता चला कि उसकी ही पत्नी गर्भवती है। 9 महीने बाद साहूकार को एक सुंदर सा लड़का हुआ। उसके बाद दोनों पति पत्नी अत्यधिक खुश रहने लगे, शिवजी और माता पार्वती के निरंतर भक्ति करते रहे। एक दिन अत्यधिक चिंता से बैठे हुए साहूकार के पास वापस से वही साधु महाराज प्रकट हुए। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे के साथ साधु महाराज की बहुत अधिक सेवा की। सभी के चले जाने के बाद साहूकार ने गणेश भगवान के श्राप वाली बात साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था, परंतु शिव जी की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तुम ऐसा करो कि कोई ऐसी कन्या ढूंढो जो मंगला गौरी का व्रत करती हो बचपन से ही, और उसके भाग्य में अखंड सौभाग्य हो। माता पार्वती उसे प्रसन्न होकर के अखंड सौभाग्यवती होने का वर दी हो। ऐसी कन्या की खोज तुम जारी कर दो। साधु की बात सुनकर के एक आशा की किरण उसके मन में फूट उठी। उसने तत्काल उसी समय अपने सेवकों को सभी राज्यों में भेज दिया उस कन्या का पता लगाने के लिए, जो कन्या बचपन से ही माता पार्वती यानी मंगला गौरी की पूजा करती हो और उसके भाग में अखंड सौभाग्य हो। ढूंढते ढूंढते एक दिन ऐसा आया कि एक नगर में एक लड़की उन्हें मिल गई जो मंगला गौरी की पूजा करती थी। उसका नाम था कमला। कमला के पास जाके उसके माता पिता से मिल करके साहूकार ने अपने बेटे का विवाह करने के लिए उनसे आग्रह किया। उसका बेटा अल्प आयु है ये बात किसी को भी पता नहीं थी। साहूकार ने आग्रह किया और कमला के पिताजी माताजी तैयार हो गए। बहुत ही धूमधाम के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया। जब कमला अपने ससुराल में चली आई और अपने पति के साथ रह रही थी, तभी एक रात्रि में माता मंगला गौरी ने उसे दर्शन दिए और उससे कहा, बेटी तुम्हारा पति अल्प आयु है, आज ही रात को उसका समय समाप्त होने वाला है। अब ये बात सुन करके कमला अत्यधिक व्याकुल हो उठी और माता पार्वती के चरणों में गिर गई। माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि माँ, मैं तुम्हारी अनन्य भक्त हूँ, मेरा सुहाग अगर उजड़ गया तो आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा। माँ मंगला गौरी ने कमला से कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, रात्रि में एक सर्प आएगा तुम्हारे पति को डसने के लिए, तुम उसके लिए एक कटोरे में दूध रख देना और साथ में एक मटका रख देना। जब वो दूध पिएगा और मटके में जाके बैठेगा, तुम उसमें कपड़ा लगा देना, रात्रि भर तुम जागरण करना और सुबह उस मटके को जाके सुनसान जगह पे छोड़ आना, बाकी सब मैं देख लूँगी। इतना कह के माता अंतर ध्यान हो गई। रात हुई, कमला रात भर जागने लगी और जैसे ही वो सर्प आया, कमला ने उसके लिए दूध रख रखा था, उनसे प्रार्थना की और वो सर्प जाके उस मटके में बैठ गया। जैसे ही सर्प मटके में बैठा, वैसे ही कमला ने ऊपर से एक कपड़ा उस मटके के ऊपर बांध दिया और जा करके एक सुनसान जगह पे उस मटके को छोड़ आई। अगले दिन सुबह प्रातःकाल हुआ तो साहूकार अत्यधिक व्याकुल होने लगा, क्योंकि 16 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज उसका बेटा उठेगा, परंतु
साहूकार ने अपने बेटे को जीवित अवस्था में देखा, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब कमला ने रात के सारे वृत्तांत को अपने ससुर जी को सुना दिया। साहूकार ने कोटि कोटि धन्यवाद किया माता पार्वती को और माता मंगला गौरी को। माता मंगला गौरी की पूजा करने से साहूकार की पुत्रवधू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। कथा पढ़ते और सुनते माता भगवती सभी के सुहाग की रक्षा करना। आपकी कृपा अपने सभी भक्तों पे ऐसे ही बनी रहे। जय मां मंगला गौरी की। यहीं पे कहानी संपन्न होती है। कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कथा पढ़ने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। मंगला गौरी की कहानी या कथा पढ़ने के बाद आप सभी को उनकी आरती अवश्य ही उतारनी चाहिए, साथ ही साथ क्षमा प्रार्थना आप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भोलेनाथ माता पार्वती की भक्ति करते रहिए। आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।